हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है आचारी मसाला में। और मैं आज बनाने वाली हूँ लौकी के पत्ते की चटनी। तो आइए हम बनाते हैं। इसके लिए मैंने जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं लौकी के आगे के, जो जिधर तरफ जिधर से डाल जो बढ़ता है, उसी पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि वो छोटे छोटे पत्ते जो हैं उसकी चटनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बड़े पत्ते की चटनी थोड़ा कड़वा लगता है। तो मैं इसके, देखिए दाल तोड़ी थी तो मैं इसके पत्ते को अलग कर ले रही हूँ दाल से। दाल की भी सब्ज़ी बनती है, वो मैं किसी और दिन के वीडियो में बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने पहले से ही पत्ते को तोड़ चुकी थी। अब मैं इसे 2 से 3 पानी धो लेंगे। मैं 3 पानी से धो ली हूँ। अब गैस ऑन करके थोड़ा सा पानी दे के इसे मैं अच्छे से उबाल लूँगी। और जो उबालने के बाद इसे हम पानी से अलग कर देंगे। ये देखिए, एक बार मैं इसे पलट दूंगी, थोड़ा चला दूंगी ताकि ऊपर के पत्ते भी अच्छे से पक जाए। आप चाहें तो कुकर में भी 1 सीटी लगा सकते हैं। ये देखिए, लौका जो है, पत्ते जो है हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दे रही हूँ। एक दूसरे कढ़ाई में हरी सूखी मिर्च और लहसुन को भून लूँगी। आप चाहे तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे भून ली हुई, ये भुना हुआ लहसुन जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं भुना हुआ लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो लौकी के पत्ते हैं, इसे भी इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख लेगा, इसलिए मैं कढ़ाई में उसे भी थोड़ा सा भून लूँगी। और जो पानी था उसे फेंक दूँगी, मैं उसे छाननी थी। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख चुका है। अब मैं गैस बंद करके इसे किसी दूसरे प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। ये मैं इसे अब निकाल लूँगी। लौका का जो पत्ता है वो अच्छी तरह से, पानी जो है वो पूरा सूख चुका है। पानी रहने से वो थोड़ा तीता लगता है, इसलिए पानी जो उसका पानी रहता है उसे हम लोग फेंक देते हैं। ये ठंडा हो चुका है। मैंने जो लहसुन लिया था मैं उसे छील ली हूँ। अब मैं मिक्सर के जार में इसे ले लूँगी, पत्ते सबको। और जो लहसुन है मैं इसे छील ली हूँ, और लाल मिर्च को भी इसमें डाल लेंगे। इसी टाइम मैं नमक और 2 चम्मच सरसों का तेल डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, चटनी जो है वो पीस चुकी हूँ मैं, किसी दूसरे कटोरी में निकाली। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालकर अच्छे से मिला लेंगे। मैं अजवाइन जो है वो पीस कर नहीं डालती हूँ, मुझे ऐसे ही थोड़ा घुटना ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं बाद में अजवाइन डाल रही हूँ। ये देखिए, हमारा चटनी